हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सुमित सांगवान लूसेंट कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट, फॉर्मूला और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक यूज करके पहले फर्स्ट पार्ट देखे, ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आए। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 15% की दर से 4 गुना हो जाती है तो समय क्या होगा। मतलब एनी सम बिकम्स 4 टाइम एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, फाइंड द टाइम। मतलब आपको देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप किसी से कोई भी पैसे ले रहे हो, उस पे रेट लगी है 15%, मतलब 15%, और वो पैसे क्या हो जाते हैं, 4 गुना हो जाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि उसमें समय कितना लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा। तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। आप एक बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट का, जो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, लेकिन हम डायरेक्ट कंसेप्ट से करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था क्या कि प्रिंसिपल हमेशा आपका कितना होता है, 100% होता है। तो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल आपका कितना है, 100। अब ये कह रहे हैं कि जो भी पैसे लिए हैं वो 4 गुना हो रहे हैं, मतलब 100 रुपए अगर आपने किसी से लिए हैं तो वो कितने हो गए, 400। अब 100 रुपए आपने लिए हैं और 400 रुपए आपके वो बाद में हो गए, मतलब जो आपको पैसे वापस देने हैं। P क्या होगा, प्रिंसिपल, A क्या होगा, अमाउंट। 100 रुपए लिए आपने, 400 रुपए वापिस करने हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 300 आएगा। साधारण ब्याज कितना आएगा आपका, 300 आएगा। और ब्याज आपका क्या होता है, R इंटू में टी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी आपको क्या हो, प्रिंसिपल 100 रुपीज लेते हो, आपका 100 लेते हो, तो आपका जो इंटरेस्ट होता है वो आपका क्या होता है, रेट इंटू में टाइम। अब रेट इंटू में टाइम होता है, तो आपका इंटरेस्ट कितना है, 300। रेट इंटू में टाइम, टाइम आपको बताना है, रेट कितनी आपकी, 15 से इसको काट दो, किस पे कटेगा, 20 पे, तो टी आपका कितना आ गया, 20 ईयर। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपने देखा कि पी आपका कितना है, 100 रुपए, पी आपने लिया 100 रुपए, 4 गुना हो रहा है, मतलब आप 100 रुपए ले रहे हो तो 400 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, वापिस देने पड़ेंगे। 100 रुपए लिए, 400 वापिस दोगे तो ब्याज कितना लगा, 300। रेट इंटू में टाइम होता है, 15 से 300 किस पे डिवाइड होता है, 20 पे, तो टाइम आपका कितना आ गया, 20 ईयर। मतलब पेन कॉपी की भी आपको इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई धन 5 वर्ष में 8 गुना होता है तो कितने वर्ष में 22 गुना होगा। अब ये कह रहे हैं कि आप जिससे जो पैसे ले रहे हो, 5 वर्ष में 8 गुना होते हैं, आपने पैसे नहीं लौटाए, फिर ये कह रहे हैं कि वो पैसे 22 गुना हो गए, तो आपको बताना है कि वो पैसे कितने टाइम में क्या हुए हैं, 22 गुना हुए। तो देखो मैं कहूं, क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या होगा इसका, मैं कहूं आपने किसी से 1 रुपए लिया है, आपने उसको वापिस नहीं किए पैसे, तो वो कितने हो गए, 8 हो गए। 1 रुपए आपने लिया है तो ये क्या होगा, आपका प्रिंसिपल होगा। आपने वापिस नहीं किए तो ये आपका प्रिंसिपल होगा, वापिस नहीं किए तो ये क्या होगा, आपका अमाउंट। ये बताओ, 1 रुपए लिए थे वो 8 हो गए, फिर ये कह रहे हैं तो वो कितने वर्ष में 22 गुना होंगे, मतलब वही 1 रुपए अब कितना हो गया है, 22 आपका हो गया। अब यहाँ पे 1 रुपए लिया था, 8 रुपए आपको वापिस करने हैं, तो ब्याज कितना लगा, 7। यहाँ पे आपने 1 रुपए लिया था, वापिस कर रहे 22, तो ब्याज कितना लगा, 21। अब ये बताओ, पहले ब्याज 7 लग रहा था, अब 21 लग रहा है, तो ब्याज कितने गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। ब्याज है वो कितने गुना बढ़ा है, 3 गुना। अगर ब्याज आपका 3 गुना हो रहा है तो टाइम भी कितने गुना बढ़ेगा, 3 गुना। पहले ये पैसे कितने वर्ष में हो रहे थे, 8 गुना, 5 साल में। अब ब्याज 3 गुना बढ़ा है तो टाइम भी 3 गुना बढ़ेगा, मतलब 5 गुना में 3 आपका आंसर कितना आएगा, 15 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आपने 1 रुपए लिया, 8 हो गए, ब्याज लगा 7, फिर ये कह रहे हैं कि 22 गुना हो रहे हैं, 1 है 22 हो गए, 1 से 8 7, 1 से 22 21, 7 से कितने गुना हो गया, 3 गुना। अब 5 का 3 गुना कितना होगा, 15, तो 15 वर्ष क्या होगा आपका, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितने, 4:5 है।
ठीक है, मूलधन और मिश्रधन मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपको दे रखा है 4:5, और यह अनुपात 3 साल के बाद कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, मतलब ब्याज की दर क्या रहेगी। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं, सिर्फ रेशियो बता रखा है प्रिंसिपल का और अमाउंट का, और वो रेशियो 3 साल के बाद चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5:7 आपसे पूछा गया कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी। अगर मैं कहूं देखो आपके पास क्या क्या है, प्रिंसिपल है और क्या है रेट है, सॉरी प्रिंसिपल और अमाउंट का, प्रिंसिपल और अमाउंट मैंने कह दिया, प्रिंसिपल अगर 4 है तो अमाउंट 5 होगा, रेशियो बता रखा है। फिर ये कह रहे हैं कि 3 साल के बाद प्रिंसिपल अगर 5 है तो अमाउंट कितना हो रहा है, 7। अब ये बताओ जो पैसे आपने किसी से एक बार ले लिए वो तो ले ही लिए, वो तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। आपने 1,00,000 रुपए लिए तो ले लिए, वो 1,00,000 ये तो नहीं 2,00,000 बन जाएंगे, आपने लिए तो 1,00,000 थे, मतलब जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा आपका, हमेशा सेम होगा। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्या आपका अलग अलग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को चेंज करेंगे। प्रिंसिपल को आपको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इससे, या फिर काम कर लो प्रिंसिपल को 100 बना दो। प्रिंसिपल को क्या बना देते हैं, 100 बना देते हैं। अगर हम प्रिंसिपल को 100 बनाएंगे तो ये बताओ, देखो प्रिंसिपल को 100 बना दो, 100 बनाएंगे तो 4 को किससे गुणा, 25 से, 25 × 100, 5 को किससे गुणा, 20 से। अब प्रिंसिपल अगर 25 गुना बढ़ा है तो अमाउंट भी कितने गुना बढ़ेगा, 25 गुना। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल आपका 20 गुना बढ़ा है तो अमाउंट भी कितने गुना बढ़ेगा, 20। अब प्रिंसिपल तो आपको पता है कितना हो गया, 100। यहाँ पे भी आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 100। 25 × 5 कितना हो गया, 125। और 20 × 7 कितना हो गया, 140। 20 × 7 कितना हो गया, 140। अब देखो क्वेश्चन को आप कैसे भी सोल्व कर लो, आपने किसी से 100 रुपए लिए हैं और वो कितने हो गए, 125। फिर आपने क्या किया, वही 100 रुपए बाद में कितने हो रहे हैं, 140। मतलब ये जो पैसे हो रहे हैं, ये जो पैसे हो रहे हैं ये कितने साल में हो रहे हैं, 3 साल में। पहले 125 था, अब 140 हो गए, मतलब ब्याज कितना बढ़ रहा है, 15। ये जो 15 रुपए ब्याज लग रहा है ये कितने साल में लग रहा है, 3 साल में। 15 रुपए जो ब्याज लग रहा है, ये जो 15 रुपए ब्याज लग रहा है, देखो पहले 125 थे, 3 साल के बाद 140, तो ये जो 15 रुपए ब्याज लग रहा है ये कितने साल में लग रहा है, 3 साल में। अब ये बताओ 15 रुपए ब्याज 100 रुपए पर 3 साल में लगा है, तो आपको पता है कि 3 साल में अगर 15 रुपए ब्याज लगा है तो 1 साल में 5 रुपए ब्याज लगा होगा 100 रुपए पर, और 100 रुपए पर जितना ब्याज आपका लगता है वही क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब रेट इंटू में टाइम क्या होता है आपका, रेट इनटू में टाइम आपको पता है इंटरेस्ट होता है, जब प्रिंसिपल क्या होता है, 100 रुपए। अब ये बताओ कि 15 रुपए आपका ब्याज लगा है, रेट आपको निकालनी है, टाइम आपके पास पता है 3 है, 3 से काट दो, 3 × 5 = 15, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, 5%। तो 5% क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आज, ठीक है। कुछ नहीं किया आपने, प्रिंसिपल को 100 बना दिया, प्रिंसिपल जितने गुना बढ़ेगा उतने ही गुना क्या बढ़ेगा, अमाउंट। तो 125 फिर कितना हो गया, 140 कितना बढ़ा है, 15 बढ़ा है, रेट इनटू में टाइम 3 से 5 पे आर इक्वल कितना आ गया आपका, 5% क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का है, 5,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, पहला भाग 4% पे दिया गया, दूसरा भाग 5% पे दिया गया, और दोनों से 2 वर्षों में टोटल 440 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है, तो दोनों दरों से कितना कितना ब्याज मिला। अब देखो जब भी आपके पास दो वैल्यू अलग अलग है और एक टोटल का आपको वैल्यू बता रखी हो, तो उस पे हम 98% केस में क्या लगेगा आपका, आप एलिगेशन मेथड यूज करो। अब आपको पता है कि 5,000 रुपए लिए थे और 5,000 रुपए पर 4 से लगा कुछ ब्याज, कुछ 5 से, और टोटल 440 रुपए ब्याज मिला है, कितने साल में, 2 साल में। तो ये बताओ अगर 2 साल में 440 रुपए ब्याज मिला है, तो 1 साल में आपको पता है कि 2 साल में 440 ब्याज लगा है, तो आपको पता है कि 2 साल में 440, तो 1 साल में कितना ब्याज लगा होगा, 220। अब 1 साल में 220 रुपए ब्याज लगा है, किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल, कितना है, 5,000। परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 5 × 20
4.5 के बीच, मतलब जो भी ये ब्याज लगा है इसकी एवरेज रेट क्या रही होगी, 4.4% इसकी क्या रही होगी, एवरेज रेट रही होगी। अब देखो कुछ तो किस पे दिया गया, 4% पे, कुछ किस पे दिया गया 5% पे, एवरेज रेट कितनी आ गई 4.4%। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0.4, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0.6, इन दोनों का डिफरेंस 0.4, इन दोनों का डिफरेंस 0.6, 0.0 से 0.0 कैंसिल, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, 3:2 क्या आ गया 2, मतलब जो भी पैसे दिए वो किस में दिए 3:2 में दिए। अब टोटल कितने 5000, 5000 को 3:2 में बांट दो, आपको पता है रेशियो का सम टोटल वैल्यू के इक्वल होता है 3 और 2 = 5, 5 अगर 5000 के बराबर होगा तो 1 आपको पता है किसके बराबर होगा 1000 के, 1 की वैल्यू अगर 1000 होगी तो 3 की वैल्यू क्या होगी आपकी 3000 और 2 की वैल्यू क्या होगी 2000, तो आपके 4% पे तो कितने रुपए दिए हैं 3000 और 5% पे कितने रुपए दिए हैं 2000। ठीक है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको कई बार ये टोटल इंटरेस्ट न मिलके डायरेक्ट आपको रेट ही मिल जाएगी 4.4%। अगर ये रेट मिलती है तो आपका ये वाला जो आपने प्रोसेस किया है ये कैंसिल हो जाएगा, आपको डायरेक्ट 4% 5% और 4.4% रखना है, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देंगे रेशियो में बांट देंगे। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, ये आपकी 4% है, ये 5%, ये जो रेट आएगी आपको 1% से निकालना है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा याद रखना इसके और इसके दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, इनसे ना तो कम आ सकती है ना ही ज्यादा आ सकती है, दोनों के कोई मीडिएटर बीच की वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी धन पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना है, यदि ब्याज की दर प्रतिशत और समय बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोई भी धन है जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 16/25 गुना है, तो मैं कह देता हूं कि जो प्रिंसिपल आपका है वो 100 है, तो प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो ब्याज क्या होगा 100 का 16/25 होगा या नहीं होगा, 25 × 100 16 × 4 क्या होगा 64। अब ये कह रहा है कि जो रेट है और जो टाइम है दोनों के दोनों बराबर, मैं कहूं कि ये भी x है तो ये भी क्या होगा x होगा। अब मैंने आपको बताया था जब प्रिंसिपल 100 रुपए होता है तो इंटरेस्ट होता है रेट इंटू में टाइम, और इंटरेस्ट कितना है 64। अब रेट x है, टाइम भी x है, इक्वल किसके होगा, रेट भी x है टाइम भी x है, इक्वल किसके होगा 64 के, x स्क्वायर अगर 64 के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा 8 के, और x क्या है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका 8% आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप क्या करो इसका स्क्वायर रूट करके मल्टीप्लाई में 10 कर दो, आपका रेट और टाइम दोनों बराबर आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछता तो टाइम आपका कितना आ जाता 8 वर्ष और रेट कितनी आ गई आपकी 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवार्षिक की साधारण ब्याज की दर पर 5% की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपए का साधारण ब्याज मिले। हाँ जी देखो 1 रुपए का साधारण ब्याज मिले तो कैसे करेंगे, मूल राशि बताइए मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको बता दी 5%, डिवाइड बाई आपको पता है पीआरटी में 100 होता है। अब ये कह रहे हैं कि ब्याज जो मिले वो 1 रुपए मिले, तो मेन बात आती है टाइम की, टाइम क्या लेंगे, अब टाइम है 1 दिन की बात कह रहा है तो डिवाइड में क्या कर देंगे 365 कर देंगे। अब इसको काट दो 5 × 7 = 35, 2 5 × 5 = 35, 5 × 3 क्या होगा 15, 1 बचेगा 5 × 3 = 15, तो P इक्वल क्या आएगा 100 × 73 मतलब क्या होगा 7300। कई बार बच्चों से ऐसे इजी क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं होता, इसलिए मैंने एक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रखा है। वह मूल राशि बताइए मतलब प्रिंसिपल बताइए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपए मतलब 1 दिन का साधारण ब्याज, टाइम आपको पता है 1 साल में स्टैंडर्ड जो डेज होते हैं वो 365 होते हैं, लीप ईयर में 366 करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा दे नहीं रखा। अगर ये कह देता कि पर्टिकुलर ईयर, मान लो ये कह देता 2016 ईयर में, तो आपको यहाँ
यहाँ पे लेना 366 या कह देता कि लीप ईयर, अदरवाइज आप यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ईयर जो आपका 365 होता है जिसमें डेज वही लेंगे, एक बटे में सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 7300 रुपीज आपका क्या जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज जो आपको पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आया है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।